हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पीडियाट्रिक नर्सिंग का एक नया सेशन आप सभी के सामने आज से इंट्रोडक्शन आज अपन यहां पर लर्न करेंगे। तो मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस जो चैनल है यूट्यूब, उसको आप जल्दी से जल्दी एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज से अपन यहाँ पर नया सेशन स्टार्ट किया है, तो नया सेशन में अपन वन बाय वन करके टॉपिक यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा थ्योरी सेशन जो है वो सब आप सभी के सामने पीडियाट्रिक नर्सिंग के ऊपर से है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास आज अपन कैरी ऑन करेंगे और डे बाय डे कल अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे और पूरी पीडियाट्रिक नर्सिंग को लपेटने की पूरी कोशिश यहाँ पे है। एक नया सेशन है, नई शुरुआत है, जल्दी से जल्दी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को, ठीक है। मेवाड़ नर्सिंग क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। जो भी GNM कर रहे हैं, जो BSc कर रहे हैं, जो NM कर रहे हैं, उन सभी के लिए पीडियाट्रिक नर्सिंग कॉमन सब्जेक्ट है, सभी का आता है। आप सभी को नोट्स साथ का साथ बनाना है और साथ के साथ पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है और वीडियो को बार बार देखना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए नोट्स साथ का साथ में बनाना है। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं है। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। अपन तो बने हैं सिर्फ जीतने के लिए, संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंट्रोडक्शन में कैरी ऑन करता हूँ। तो कैसा लगेगा आपको वीडियो, ये कमेंट में जरूर एक कमेंट करके जरूर बताना एंड में, ठीक है। तो शुरू करता हूँ मैं इस वीडियो को, इंट्रोडक्शन पीडियाट्रिक नर्सिंग का, जिसको अपन बोल सकते हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, दो नाम है इसी के, पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। तो पहला यहाँ पर टॉपिक है अपना इंट्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन सबसे पहले इसकी जो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं एक फादर से। अब फादर कौन है इस पीडियाट्रिक नर्सिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि फादर कौन है। तो अब्राहम जैकोबी ये पीडियाट्रिक के फादर है। कौन है? पीडियाट्रिक के फादर है। तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है, आता है बार बार आता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करा रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार जो क्वेश्चन आते हैं उनको हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है यूनिसेफ। यूनिसेफ कब स्टार्ट हुआ? अब यूनिसेफ क्यों आएगा इसके अंदर, यूनिसेफ का मैं बता देता हूँ। यूनिसेफ है रिलेटेड टू चाइल्ड, क्यों रिलेटेड है मैं आपको बताऊँ कि यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ इसकी फुल फॉर्म अगर मैं आपको लिख के बताऊँ तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी है? यूनिसेफ की। यूनिसेफ कब आया था? तो 1946 में आया था, 1946। और तारीख अगर आपको पूछे तो 11 दिसंबर, क्या बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को ये आया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है वन बाय वन करके, तो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसी के बारे में अगर मैं बात करूँ, यूनिसेफ जो है इसका हेड क्वार्टर के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं एग्जामों में, ठीक है। तो अपन यहाँ पे कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है, सारी की सारी चीज़ें क्या करने वाले, लर्न करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेड क्वार्टर अगर आपको पूछे इस यूनिसेफ का, ठीक है, तो यूनिसेफ का अगर हेड क्वार्टर पूछे आपको, क्या पूछे? हेड क्वार्टर, ठीक है, हेड क्वार्टर अगर आपको पूछे तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? न्यूयॉर्क। हेड क्वार्टर पूछे आपको तो न्यूयॉर्क आप लिखोगे, और न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है ये? अमेरिका में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सभी को? अगर अमेरिका ऑप्शन, वैसे अमेरिका ऑप्शन कभी आता नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क ही आता है, पर कभी कभी दे देता है।
अब इसके अंदर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है गोबी और ट्रिपल एफ, ठीक है। ये यूनिसेफ के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि सभी बच्चों के लिए, कि 0 से जो 6 साल के बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए इन्होंने क्या किया कि का यहाँ पे प्रोग्राम चलाया यूनिसेफ नाम का। ये क्यों चलाया कि वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें बहुत सारी खामियां, बहुत सारी नुकसान यहाँ पे सभी देशों को झेलने पड़े थे। उन नुकसान की वजह से यहाँ पे बच्चों का भरण पोषण भी मतलब मुश्किल से हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, यूनिसेफ ने अपना एक मतलब सहयोग दिया, ठीक है, और आगे आया यूनिसेफ, और यूनिसेफ ने अपना पूरा का पूरा दमखम दिखाया, ठीक है। और उसकी वजह से बच्चों का क्या हुआ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था यूनिसेफ नाम का। और इसके अंदर जो है बहुत सारे देश शामिल है, जिसके अंदर अपना इंडिया भी है, ठीक है। ऐसी बातें आपको पूछी जा सकती है। तो बातें बहुत सारी होगी आज, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें होगी। आपने, मेरे को पता है, अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को और शेयर भी नहीं किया है अपने सभी फ्रेंड्स तक। तो ये दो काम जरूर करें। और नए बच्चे हो आप, अगर नए पहली बार इस चैनल से जुड़े हो, एक सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमको एनर्जी देगा, और वही एनर्जी आपके यहाँ पर भविष्य में काम आने वाली है, और भी अच्छे अच्छे क्लासे लाने के लिए हमको मोटिवेट करेगी। अब पढ़ते हैं अपन ट्रिपल एफ के बारे में। तो ट्रिपल एफ क्या होता है, पहला गोबी, तो जी, ठीक है, ओ बी आई, ठीक है, ये कंपोनेंट है किसके, यूनिसेफ के। जी का मतलब तो होता है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, क्या क्या चीज़ें केयर दी जाती है, वो चीज़ है इसका मतलब ये है। तो पहला है यहाँ पर ग्रोथ, ग्रोथ मॉनिटरिंग। ये ग्रोथ मॉनिटरिंग किसकी कर रहे हैं अपन, बेबी की, छोटे बेबी की, यानी 0 से 6 साल के बच्चे की। दूसरा है ओ का मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन। क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है। दूसरा ओ का मतलब क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन। तीसरे नंबर पे है बी, बी का अर्थ होता है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सारी सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन गया कि कौन सी चीज़ें या कौन कौन सी केयर यूनिसेफ के अंदर दी जाती है एक को छोड़ के। तो यहाँ पे जी भी है, ओ भी है, बी भी है, आई भी है, ठीक है। ये यहाँ पे यूनिवर्सल एमसीक्यू है। और सबसे पहले जब यहाँ पे यूनिसेफ स्टार्ट हुआ था 1946 में, तब ये चार केयर ही इसके अंदर क्या की जाती थी, दी जाती थी बच्चे को, इसके अलावा केयर नहीं दी जाती थी, ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, ट्रिपल एफ को और जोड़ दिया। तो ट्रिपल एफ का मतलब क्या होता है, वो चीज़ें भी अपन यहाँ पे लर्न कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ट्रिपल एफ का मतलब जो है वो होता है पहले एफ, दूसरा एफ और तीसरे एफ का मतलब। पहला तो है फूड सप्लीमेंटेशन, फूड सप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। दूसरा एफ का मतलब है फीमेल एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन, यानी फीमेल जो है जो इसको एजुकेशन देना, ठीक है, कब क्या करना है, कब कैसे क्या करना, बच्चे कितने प्लान करने हैं, वो पूरी की पूरी यहाँ पे उसको एडवाइस देना, ठीक है, फीमेल को एजुकेशन देना, ठीक है, अवेयर करना। और तीसरी है फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग में अपन एडवाइस देंगे बर्थ स्पेस के बारे में, कि एक बर्थ हुआ, दूसरे बर्थ हुआ, उसके बीच में स्पेस रखना है, और उसके लिए आपको क्या यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज करने हैं। ये सारे के सारे काम करता है यूनिसेफ। ये तीन जो एफ नए आए हैं ये अभी जोड़े हैं, ठीक है, फिलहाल में। पहले ये तीन एफ नहीं थे, पहले सिर्फ गोभी था। इतना सा बात याद रहेगी सभी को, इम्पोर्टेंट है, बातें सारी पता ही होगी, ठीक है। आज बोल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और सारे चौके छक्के ही लगने वाले हैं, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं अपन WHO की, ठीक है। तो WHO जो आया था, WHO, वो देखो यूनिसेफ और WHO,
ये दोनों मिलके ही अधिकतर काम करते हैं, इम्यूनाइजेशन का हुआ, चाहे किसी ब्रेस्ट फीडिंग का हुआ, चाहे कोई सा प्रोग्राम हुआ बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये WHO का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये आया था 1948 में और इसने क्या किया कि यूनिसेफ का ये भाई बन गया एक प्रकार से, कि यूनिसेफ मैं तेरा साथ दूंगा, अगर तू कभी खतरे में होगा तो मैं तेरे साथ दूंगा। बच्चे खतरे में थे तो यूनिसेफ ने साथ दिया, और यूनिसेफ कभी खतरे में हुआ तो ये भी साथ देगा, साथ में ये वैसे भी साथ देता है, ठीक है। ये आया था 1948 में। क्वेश्चन बार बार बनता है कि WHO का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 7 अप्रैल को। कब हुआ था? 7 अप्रैल को। और इसी दिन अपन क्या मनाते हैं, WHO डे मनाते हैं, WHO डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ऐसा आपको लिखना है आंसर में, ठीक है। ऐसा भी आ सकता है एग्ज़ाम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर अगर आपको पूछे, हेडक्वार्टर, ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ WHO, तो WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड देश का नाम है और जेनेवा यहाँ पे सिटी का नाम है। स्विट्जरलैंड क्या है, कंट्री है, और सिटी कौन सी है, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर पूछे तो भी आपको लिखना है स्विट्जरलैंड जेनेवा, ठीक है। इतनी सी बात याद रहेगी, छोटी छोटी बातें हैं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। WHO याद हो गया आपको। WHO ने क्या किया कि एक रिपोर्ट रखी थी इन्होंने, अल्माटा, ठीक है, अल्मा आटा अभी आ जाएगा। तो ये इन्होंने रिपोर्ट रखी थी 1978 में, और इन्होंने कहा था इसी साल में कि 2000 AD तक, यानी 2000 ईस्वी तक, हेल्थ फॉर ऑल, कि स्वास्थ्य सबके लिए होना चाहिए, हेल्थ फॉर ऑल। और ये जो क्वेश्चन है, ये हेल्थ फॉर ऑल वाला, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो ये बातें हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अपने पास में टॉपिक EPI क्या है। EPI बहुत इम्पोर्टेंट है कि 4 I है यहाँ पे, 4 इम्यूनाइजेशन के I है, और चारों I को आपको टिप ऑफ द टंग याद करना है। कैसे याद करना है, टिप ऑफ द टंग। तो पहला है EPI। EPI यानी होता है कि ग्लोबल प्रोग्राम। क्या है, ग्लोबल यानी वैश्विक, ठीक है, तो विश्व के अंदर ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसको अपन एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ग्लोबली, ठीक है, तो ग्लोबली भी बोल सकते हैं, ग्लोबल में आया था मतलब पूरे वर्ल्ड में आया था। तो 1974 में आया था, कब आया था, 1974 में आया था, 1974 में आया था। इसके अंदर वैक्सीनेशन किया जाता था, कि बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीनेशन किया जाता था, जैसा कि DPT हुआ, पोलियो हुआ, TB हुआ, मीजल्स हुआ। तो ये 7 यहाँ पे कितनी बीमारी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बीमारियों के अगेंस्ट, यानी 6 किलर डिजीज, पहले 6 किलर डिजीज ही थी, फिर 7 को कर दिया, ठीक है। हेपेटाइटिस को अलग से इन्होंने क्या किया, फिर जोड़ दिया, ठीक है। अब ATB हो गया है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा को भी जोड़ दिया है, ठीक है, और ये दोनों DPT में जोड़ा, पेंटाविलेंट बना दिया है, ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। तो DPT जो है, DPT इसकी फुल फॉर्म है, D का मतलब है आपके सामने डिप्थीरिया, क्या है, डिप्थीरिया। P का मतलब है पर्टुसिस यानी 100 day कफ, पर्टुसिस। T का मतलब है टिटनस। ये सारी की सारी क्या है, यहाँ पे बीमारियाँ है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोलियो इम्पोर्टेंट है। पोलियो किससे फैलती है, आप सभी को पता है, पोलियो फैलती है आपके फीको ओरल रूट से। और पोलियो जो है, पोलियो वो आपके यहाँ पे पैरालिसिस कर सकता है, और इसके लिए वैक्सीनेशन कौन सा है, तो पोलियो के लिए OPV कौन सा वैक्सीन है, OPV। दूसरा है IPV। OPV तो है आपके यहाँ पे ओरल रूट से दिया जाता है, ठीक है, और IPV जो दिया जाता है वो दिया जाता है इंजेक्टेबल फॉर्म में, ठीक है, ये भी चीज़ याद रहेगी। TB जो है, टीबी के लिए अपन लगाते हैं BCG वैक्सीनेशन। क्या लगाते हैं, BCG वैक्सीनेशन बच्चों के अंदर लगाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मीजल्स आपको पता है, मीजल्स लगाया जाता है 9 मंथ पर,
ये भी बच्चों को लगाया जाता है मीजल्स बीमारी के लिए, ठीक है। तो ये सिक्स किलर डिजीज़ के लिए है। अब अगर आपको पूछे कि 1974 में EPI एक प्रोग्राम आया था, उसके अंदर कितनी बीमारियां थी, तो 6 बीमारियां थी, 6 किलर डिजीज थी। कौन कौन सी थी? DPT थी, पोलियो थी, TB था, मिजल्स था। इसके बाद में इसमें कौन कौन सा जोड़ा है? इसके बाद में इसके अंदर 2 डिजीज और जोड़ी है, हेपेटाइटिस बी, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। नेक्स्ट है ICDS। अब यहाँ पे आई की एक और मैं बात कर लेता हूँ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, कि मैन जो EPI आया था, EPI, ठीक है, ये EPI तो 1974 में आया था, ये सभी को पता है। इंडिया में कब आया था EPI? तो 1978 में इंडिया के अंदर ये आया था, ठीक है। और इंडिया के अंदर जब आया था तब इसके अंदर कौन सा येल्लो फीवर भी था, इसके अंदर येल्लो फीवर वैक्सीन भी था, ठीक है, येल्लो फीवर वैक्सीन भी था इसके अंदर। फिर इन्होंने अपने इंडिया ने क्या किया, UPI बनाया, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बनाया, ठीक है। तो इसमें से इन्होंने येल्लो फीवर को निकाल दिया, टाइफॉइड को भी निकाल दिया, टाइफॉइड भी था इसमें, टाइफॉइड और येलो फीवर को निकाल दिया और मिजल्स को वापस इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, ठीक है। और ये कब आया था? 1985 में आया था, ठीक है, ये कब आया था? 1985 में आया था, कौन सा? UPI। और फिर लास्ट में जो प्रोग्राम आया था, लास्ट में एंड में वो आया था यहाँ पे PPI, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, 1995। कब आया था? 1995 में PPI आया था, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, याद रह जाएगी, छोटी छोटी बातें हैं, पीडियाट्रिक्स रिलेटेड है। फिर आया था ICDS की मैं अगर बात करूँ तो ICDS का प्रोग्राम का मेन मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये आया था 1975 में आया था, किस किस के लिए था? एक तो 0 से 6 साल के बच्चे के लिए था, दूसरा नर्सिंग मदर के लिए था, मतलब जो महिलाएं यहाँ पे केयर करती है बच्चे की, दाई माँ जिसको अपन बोल सकते हैं, या जिसको अपन यशोदा बोल सकते हैं, जो हॉस्पिटल्स के अंदर होती है उनके लिए भी था, नर्सिंग मदर जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमन। नेक्स्ट यहाँ पे ICDS जो था प्रोग्राम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 से 6, नर्सिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन के लिए भी ये प्रोग्राम था। ये सारे के सारे इसके अंडर आने वाले यहाँ पे है। नेक्स्ट इसी के बाद में अगर मैं बात करूँ अल्मा आटा, मैंने आपको बता ही दिया अभी हेल्थ फॉर ऑल वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अल्मा आटा आया था 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर के रूप में, कि हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए हेल्थ हो, 2000 ईस्वी तक, जो कि निकल चुका है, उसको निकले 24 साल हो गए, ठीक है, तो वही 2000 है, और मेरा बर्थ भी इसी साल हुआ था 2000 को, ठीक है। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड। देखो राइट्स का मतलब होता है अधिकार, बच्चे के जो अधिकार है उनका कन्वेंशन जो है वो कब रखा गया था, ठीक है, तो वो रखा गया था 1989 में। ये क्वेश्चन एम्स में बना हुआ है, बार बार आता है, ESIC में पूछा गया MCQ है, ये बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ MCQ है, ठीक है, तो इसको ज़रूर याद करना है, स्पेशल है ये MCQ। नेक्स्ट इसी के बारे में अगर मैं बात करूँ आगे, तो आगे मैं अगर बात करूँ पेडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, यूनिसेफ अपन ने पढ़ी लिया, ठीक है, जो FFF है, ठीक है, गोभी और FFF, ये कब जोड़ा है? 1980 में। तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल रिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, फूड सप्लीमेंटेशन और फैमिली स्पेसिंग, यानी वही फैमिली प्लानिंग हो गया, बर्थ स्पेस करना, अपन को फैमिली प्लान करना, ये अपन ने अभी पढ़ी ली है, ठीक है। तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं है, अपन ने लिख के अपन इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ताकि आप अच्छे से इसको लिख लें, आता है एग्ज़ाम में और पूछते हैं, ठीक है। यूनिसेफ तो आपके है, ठीक है। नेक्स्ट, ये यूनिसेफ का लोगो है, ठीक है, ये लोगो आपको पूछा जा सकता है, कभी इमेज बेस्ड MCQ भी आता है, वहाँ पे लोगो भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इस पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर भी नहीं मिलेगी आपको, नहीं का मतलब नई नई चीज़ें मिलेगी आपको, तो आपको घबराना नहीं है। अगर नई चीज़ें नहीं आती तो आप ऐसा समझे कि सीख रहे हैं हम आज इसको, ठीक है, तो नई चीज़ों को सीखना है।
ये क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, जिसको भी अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ICDS का लोगो है ये। ये किसका है? ICDS जो अभी स्कीम थी अपन ने पढ़ी थी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसका यहाँ पे लोगो है ICDS का। ये WHO का है, लिख ही रखा है WHO, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको, कि डेथ अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे में डेथ होने का कारण क्या है, ठीक है। 5 साल से छोटे बच्चे के अंदर डेथ हो जाती है, 0 से 5 साल के बीच में डेथ हो जाती है बच्चों की, बहुत सारों की। 5 साल से छोटे बच्चे की डेथ हो सकती है, तो मोस्ट कॉमन जो कारण है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण जो है वो क्या कारण है, वो आपके सामने निकल के आता है, निमोनिया। क्या होता है? निमोनिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अपन बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। फिर है डायरिया, ये भी 14% है। फिर है मलेरिया, 8%, ठीक है। फिर है इंजरी, कोई इंजरी नीचे गिर गया, ठीक है, अब छोटे बच्चे गिर सकते हैं, उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। HIV हो गया बच्चे को ऐसा HIV कहाँ से होगा? मम्मी पापा से होगा, ठीक है। मीजल्स हो गया बच्चे को, 1% चांस है, ठीक है। और ये है पूरे के पूरे यहाँ पे क्या है, और अदर फैक्टर बहुत सारे होते हैं 17% में। कोई बीमारी लग गई, ब्लड कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी की वजह से अपन ने ट्रेड करवाया, कुछ हो गया, ठीक है, उस वजह से भी हो सकता है। ये सारी की सारी है, तो मेनली फोकस आपको कहाँ पे करना है, पहला है निमोनिया, अगर ऑप्शन में नहीं है, डायरिया है, डायरिया पे करो आप टिक, ठीक है। फिर ये भी नहीं है और निमोनिया भी नहीं है, दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, मलेरिया पे जाना आपको, मिल ही जाएगा मलेरिया तो, ठीक है। तो इन तीन को तो आप स्पेशल अटेंशन देके ही लिखना, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन तो अटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट, नियोनेटल डेथ, न्यू बॉर्न की डेथ होने के सबसे बड़ा कारण कौन कौन से है, बड़े कारण कौन कौन से है? तो पहला है प्रीमेच्योरिटी। कौन सा कारण है पहला? यहाँ पे कारण थोड़ा चेंज है, प्रीमेच्योरिटी जाएगा। कौन सा जाएगा कारण? प्रीमेच्योरिटी जाएगा, यानी प्रीमेच्योर बेबी की डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। प्रीमेच्योर बेबी किसको बोल सकते हैं? कि जो 37 वीक गेस्टेशन से भी पहले पैदा हो गया, ठीक है, तो इसके मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूरे सर्फेक्टेंट नहीं बने होते हैं। लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट होते हैं, एल्विओलाई की टाइप 2 सेल 3 सेल बनाती है, तो वो नहीं बने होते हैं प्रॉपरली, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे प्रीमेच्योरिटी हो सकता है। और प्री मेच्योर बेबी हमेशा ही LBW ही होता है, याद रखना, ये LBW ही होता है। अगर ऑप्शन में नियोनेटल डेथ का कारण पूछे, ठीक है, नियोनेटल डेथ का या मॉर्टेलिटी का कारण पूछे आपको, वहाँ पे प्री मेच्योरिटी ऑप्शन में ना हो और वहाँ पे कहीं LBW ऑप्शन में लिखा हो, तो उसको प्रायोरिटी देना है। क्या देना है? प्रायोरिटी देना। अगर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं हो, तब जाएगा आपका SPI-EXA, ठीक है, तब क्या जाएगा? SPI-EXA जाएगा, तब यहाँ पर ऑप्शन में क्या जाएगा? SPI-EXA, ये वहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा। SPI-EXA मतलब RDS, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जाएगा नियोनेटल सेप्सिस, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसकी वजह से इसकी डेथ हो सकती है, ठीक है, ये 15% कॉज कर सकता है, ठीक है। और फिर है नियोनेटल निमोनिया 10%, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी IUGR हुआ बच्चा, इंट्राउटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ, इनके वजह से भी हो सकता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन। फिर कोई डायरिया हुआ, यहाँ पे टिटनस हुआ, तो उसकी वजह से टिटनस नियोनेट्रम बीमारी जो होती है, एर्थ डेड डिजीज बोलते हैं बच्चों के अंदर, मोस्ट कॉमनली देखी जाती है, एर्थ डेड डिजीज अपन इसको बोल सकते हैं, तो वो होती है टिटनस के कारण, ठीक है, टिटनस हो जाता है मदर को अपन ने अगर इम्यूनाइजेशन के अंदर टिटी नहीं लगाया तो। नेक्स्ट यहाँ पे 11% में अदर आ जाता है, ठीक है, ये सारे के सारे कॉजेज हैं। आपको स्क्रीनशॉट एक लेना है, नोट्स बनाने हैं इसके अच्छे से, और पूरे नोट्स बनाने हैं। पीडियाट्रिक नर्सिंग पूरी होगी आपकी, ध्यान रखना, पूरी करवाऊंगा मैं, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। और देखो 29% अगर आपको पूछे ऐसा कि नियोनेटल डेथ के अंदर सबसे बड़ा कारण क्या है, प्रीटर्म है, प्रीमेच्योरिटी है, अगर ऑप्शन में नहीं है और वहाँ पे लिख दिया आपको नियोनेटल इन्फेक्शन, क्या लिख दिया? नियोनेटल इन्फेक्शन,
तब भी आपको उसको राइट करना है अगर ऑप्शन में उस समय एस्पाइक्शन नहीं आएगा। तो नियोनेटल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन जो होता है वो 29% होता है, जिसके अंदर सेप्सिस आता है, निमोनिया आता है और टिटनस डायरिया आता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आती है, ये स्पेशल अटेंशन देकर आपको याद करना है, देखना है अच्छे से। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ जाएगी। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ू आगे, नेक्स्ट आगे की तरफ। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी अपना मतलब मेन ध्येय क्या होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग पढ़ाने का। पीडियाट्रिक नर्सिंग अपन पढ़ा रहे हैं, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, या मेरे को पीडियाट्रिक नर्सिंग आती है, या मैं किसी को मतलब बताऊँगा पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में, तो मेन मोटो क्या होता है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। ठीक है, तो वो मोटो या गोल अपन पढ़ते हैं, इसकी एजुकेशन लेते हैं, तो उसके पीछे का क्या राज है। उसके पीछे का राज है कि प्रेगनेंसी जब भी होती है तब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेलेंस को मेंटेन रख के ही प्रेगनेंसी करना है। कॉन्ट्रैक्शन प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस का मतलब पुराने थे बने हुए हैं, ठीक है, नए आ रहे, तो उन सबको प्रेगनेंसी को मेंटेनेंस का यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान रखना है आपको। मतलब प्रेगनेंसी में कुल मिला के ये है, डेथ मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम से कम हो, ठीक है, बच्चे को नुकसान कम से कम हो, ये अपना मोटो रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर जो आएगा वो चीज़ आएगी कि प्रेगनेंसी वन और मोर एंटीनेटल विजिट, प्रेगनेंसी में एक और एक से ज़्यादा एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है बर्थ, बर्थ के टाइम पे क्या होता होना चाहिए, एंटीनेटल विजिट का मतलब है कि आपको एनसी विजिट करवानी, यानी प्रेगनेंसी होने से पहले, डिलीवरी होने से पहले आपको विजिट करवानी पड़ती है हॉस्पिटल में जाके। तो उसकी विजिट की मैं अगर बात करूँ नंबर में होती है WHO के अकॉर्डिंग 4, एक तो की जाती है 12 वीक पर या एज सून एज प्रेगनेंसी कंसीव, फिर की जाती है आपकी 16 वीक पर, फिर की जाती है 24 से 28 वीक पर, सॉरी यहाँ पे 12 से 16 वीक आप कर सकते हो इसको पहली विजिट, दूसरी विजिट जो है 24 से 28 वीक पर, तीसरी 32 पर और चौथी 36 पर, ये WHO के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और अपने इंडिया में अंदर जो विजिट की जाती है नॉर्मली वो तो 4 ही की जाती है, लेकिन मानना है, ठीक है, ऑथोरिटी ने मानना है कि 7 महीने पहले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन मंथ है वहाँ पर हर महीने मंथली विजिट करनी है, 7 विजिट हो जाएगी। 8वें महीने में आपको क्या करना है, 2 बार विजिट करनी है, तो 8वें महीने में 2 विजिट हो गई। और 9वें महीने में क्या करना है, आपको वीकली विजिट करनी है, तो 9वें महीने में वीकली करनी है मतलब 4 विजिट हो जाएगी। ठीक है, यानी वीक 4 होते हैं, तो टोटल विजिट कितनी हो गई, ये अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे 6 और 13 विजिट हो गई टोटल, तो 13 विजिट यहाँ पे होती है 9 मंथ के अंदर अपने इंडिया के अनुसार। ठीक है, 13 विजिट करनी चाहिए, इंडिया में एक नियम बना है, कानून बना है उस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि डेथ मैटरनल मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी इसीलिए। नेक्स्ट है बर्थ, बर्थ जो आप करवाओगे डिलीवरी वो मतलब एक तो रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए, ठीक है, मतलब पूरा जानकार होना चाहिए इसका, और कम से कम उसको 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 25 से ज़्यादा डिलीवरी उसने करा रखी हो, ऐसा होना चाहिए, कम से कम 25 से ज़्यादा डिलीवरी करवा रखी हो तभी आप, और उसी के पास आपको जाना है, स्किल अटेंडेंट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी को अटेंड करने वाला स्किल पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट है पोस्ट नेटल यानी डिलीवरी हो गई उसके बाद में अपना क्या मोटो रहता है, तो उसके बाद में अपना गोल ये रहता है मेरे दोस्तों कि पोस्ट नेटल विजिट करवानी है अपन को विद इन 2 डे। पोस्ट नेटल विजिट कब करवानी है, देखो अगर मान लो बच्चा हुआ है हॉस्पिटल में, ठीक है, पहले अपन घर की बात कर लेते हैं, बच्चा हुआ है होम में यानी घर पर ही हुआ है, ठीक है, तब आपको फर्स्ट यहाँ पे 0 डे पे करनी है, 3 डे पे करनी है, 7 डे पे करनी है, 14 दिन पे करनी है, 21 दिन पे करनी है, 28 दिन पे करनी है और 42 दिन पे करनी है। गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये 7 विजिट होगी अगर होम डिलीवरी हुई है तो। होम डिलीवरी यानी घर पर अगर डिलीवरी हुई है, बच्चा पैदा हुआ है, तब आपको इतनी विजिट करनी है, कि पहले दिन पे 0 डे पे करनी है, फिर 3 दिन पर करनी है, 3 दिन पे की
फिर आपको 7वें दिन करनी है, फिर आपको 14वें दिन करनी है, फिर आपको 21वें दिन करनी है, फिर आपको 28वें दिन और फिर आपको 42वें दिन। और 42वें दिन अगर आप करोगे तो 6 वीक हो जाएंगे। और 6 वीक क्या होता है, प्रिपेरियम पीरियड होता है, और प्रिपेरियम पीरियड पूरा कवर हो जाएगा अपनी निगरानी में, ठीक है, हेल्थ वर्कर की निगरानी में कवर होगा, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होती है, PPH मेन प्रॉब्लम, अपन इसको रोकना चाहते हैं, किसके लिए एंटीनेटल विजिट कर रहे हैं, PPH के लिए। पोस्ट पार्टम हेमरेज, 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ठीक है, नॉर्मली उसको अपन बोल सकते हैं PPH, ठीक है। तो यही इसी को बचाने के लिए अपन ये विजिट करवाते हैं। नेक्स्ट आएगा हॉस्पिटल के अंदर, तो हॉस्पिटल के अंदर अपन विजिट करवा रहे हैं, उसका मेन मोटो क्या है, हॉस्पिटल के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, विजिट करवा रहे हैं। तो हॉस्पिटल में देखो डिलीवरी हुई है तो 48 घंटे बाद तो उसको होगा डिस्चार्ज, ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी 48 घंटे बाद होगा डिस्चार्ज। 48 घंटे मतलब 2 दिन, इसीलिए लिखा है कि पोस्ट नेटल जो विजिट है कम्युनिटी में आप करवाते हो तो 2 दिन बाद में करवानी है आपको, और पोस्ट नेटल विजिट मतलब 0 डे पे तो आएगा नहीं, अब ये डायरेक्ट आएगा 3 डे, 3 डे से फिर 7 पे, फिर आपको ऐसे कैसे रट लेना, ऐसे कैसे उतार लेना, 21 दिन 14 दिन 21 दिन 28 दिन 28 के बाद में 42 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी 6 विजिट, कितनी विजिट। अब आपको पूछे MCQ आता है, ACHO का बेस्ट MCQ है कि हॉस्पिटल में अगर बच्चे की डिलीवरी हुई है तब आप कितनी विजिट करोगे, 6 विजिट, और बच्चे लिख के आते हैं 4 विजिट। पोस्ट नेटल विजिट पूछा है, और वो भी पूछा है कि हॉस्पिटल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशन डिलीवरी, बच्चे लिख के आते हैं 4। अब 4 पता नहीं क्या सोच के लिख के आते हैं, 4 क्या सोच के आते हैं, मेरे को पता है कि वो सोच के आते हैं एंटीनेटल विजिट, जबकि प्रश्न को कभी अच्छे से नहीं पढ़ते हो और फिर बोलते हैं ओ नो। अगर एग्जाम हॉल के बाहर निकल के आपने 3 बार अगर कर दिया ओ नो ओ नो ओ नो, मतलब आप अगले की तैयारी करने लग जाओ, ठीक है, कहने का मतलब यही है। तो ये विजिट है आपके सामने। अगर आपको होम विजिट पूछे कि होम डिलीवरी हुई है और आपको विजिट करवानी है तो कितनी विजिट करवाओगे, तो 7 विजिट कब कब करवाओगे, 0 दिन। अब कब करवाओगे ये तो कभी पूछा नहीं एग्ज़ाम में, कभी नहीं पूछा आज दिन तक, डायरेक्ट नंबर पूछते हैं विजिट के। तो होम विजिट है तो 7 करवा दो, हॉस्पिटल है तो 6 करवा दो, ठीक है, इतनी बात याद रह जाएगी, छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट चाइल्डहुड, अब बच्चा है पैदा हो गया, अब अपना मोटो क्या रहेगा, अपन लेडीज़ को क्या एडवाइस करेंगे, बच्चा है पैदा भी हो गया, अपने पास में लेके भी आई है, ठीक है, अपने पास में बोलिए 1.5 महीने पे लेके आई है, चाहे होते ही इम्यूनाइजेशन करवाने के लिए लेके आई है, तब अपना मोटो क्या है, अपन उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं, बेस्ट एडवाइस। तो उसको अपन बोलेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है आपको, कितने महीने तक करवाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना, नथिंग का मतलब नथिंग, पानी भी नहीं पिलाना, हनी जन्म गुट्टी कुछ भी, चाय वगैरह कुछ भी, शरद कुछ भी नहीं देना, ठीक है। तो ये होता है ब्रेस्ट फीडिंग, ये करवाना है आपको 6 मंथ तक, कितनी करवाना है 6 मंथ तक, ठीक है। इसके 6 मंथ के बाद में आप क्या शुरू करते हो, वीनिंग, और वीनिंग करवाते हो आफ्टर द 6 मंथ, 6 मंथ से 2.5 साल, मतलब वीनिंग तो चलती रहती, देखो, ठीक है। और वीनिंग का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग तो करवाना, उसके साथ में क्या देना है अपन को, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फूड मटेरियल देना। फूड मटेरियल के अंदर हुआ आपका सूप हुआ, ठीक है, किसका, केले का सूप हुआ, आपके अनार का सूप हुआ, कुछ किसी का भी सूप आप दे सकते हो, जूस दे सकते हो, ठीक है। और बिस्किट को आपके यहाँ पे घुला के दे सकते हो, किस में, मिल्क में, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग के रूप में, और उसके बाद में वीनिंग के अंदर, ठीक है, ये आफ्टर द 6 मंथ हो सकता है, 6 मंथ आफ्टर, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट आप सभी के सामने है केस मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, और आप 0 से 5 साल तक, कम से कम 5 साल तक आप मैनेजमेंट करोगे किसका, निमोनिया का, क्योंकि इससे डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं 5 साल के अंदर अंदर। और इसको अपन बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिजल्स इम्यूनाइजेशन, और 9 महीने का जैसे बच्चा होता है तो मिजल्स का इम्यूनाइजेशन तो करवाना ही है, इम्यूनाइजेशन तो मैं कहता हूँ सारे के सारे करवाने हैं, ठीक है। तो शॉर्टली मैं अगर इम्यूनाइजेशन की बात करूँ आप सभी के सामने, ठीक है, तो शॉर्टली अगर मैं बात करूँ इम्यूनाइजेशन की, तो 8 बर्थ पर क्या किया जाता है, 8 बर्थ पर
एट बर्थ पर अगर बच्चा आया है, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी और ओपीवी, ये तीन वैक्सीन आप लगाओगे एट बर्थ पर। फिर आएगा छः वीक्स पर। अब छः वीक पर आया है बच्चा, आप क्या क्या लगा सकते हो? बीसीजी अगर नहीं लगाया है एट बर्थ पर, तो उसकी डोज बीसीजी जो जन्म पे होती है उसकी डोज होती है 0.05 ml। तो यहाँ पे एट बर्थ पर नहीं आया, सिक्स वीक पर आया है, तो 0.1 ml लगा सकते हो। ठीक है, 1 ml आप लगा सकते हो, 0.1 ml। ठीक है, इसके साथ में क्या दे सकते हो? पेंटा फाइव दे सकते हो, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है? DPT आता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा किल्ड आता है, और फिर क्या आ सकता है? हेपेटाइटिस बी आ सकता है। ठीक है, और OPV तो पिला नहीं है, OPV की यहाँ पे तो जीरो डोज है एट बर्थ पर। यहाँ पे OPV की क्या है? फर्स्ट डोज है, OPV फर्स्ट पिलाना है आपको। ठीक है, इसके साथ में और क्या दे सकते हो? PCV दे होगा, PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, IPV पिला सकते हो, सॉरी IPV दोगे आप इसको। ठीक है, मतलब पूरे को छेद डालोगे, जगह जगह छेद करना है अपन को। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रोटा भी पिलाओगे आप इसको। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम 10 वीक में चली जाएगी वापस, 10 वीक्स में चली जाएगी। ठीक है, अब मैंने फोर्टीन में चली जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें 14 वीक में चली जाएगी। 14 वीक में भी सेम चीज़ें सारी की सारी पिलाएंगे, और यहाँ पे OPV का थर्ड डोज देंगे। ठीक है, अब मैंने आपको ऐसा क्यों पढ़ाया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अब मैं बताता हूँ कि 10 वीक पे अपन क्या मिस करते हैं। 10 वीक पे आप IPV नहीं लगाते हो, ठीक है, IPV आप नहीं देते हो, और फिर 10 वीक पे आप क्या कर सकते हो? BCG भी नहीं लगाते हो, BCG 14 वीक पे भी नहीं लगता है। ठीक है, ये चीज़ें नहीं लगती, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे रखनी है। तो ये तीन का आपको पता चल गया। अब 9 वीक पे आ रहा है बच्चा, 9 वीक पे आप मीजल्स दे रहे हो, एक तो SC रूट से, फिर आप क्या दे रहे हो? एक दे रहे हो आप मिजल्स, एक दे रहे हो विटामिन ए। ठीक है, और IPV का जो है डोज है IPV बूस्टर दे रहे हो आप। ठीक है, और फिर आ रहा है बच्चा 12 से 15 मंथ पर, और 12 से 15 पर आप विटामिन ए तो पिला ही रहे हो। ठीक है, साथ में आप क्या दे रहे हो? OPV बूस्टर, क्या दे रहे हो? OPV बूस्टर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और फिर आपका 6 साल पर आएगा बच्चा, 5 साल पर आएगा TT देना है। ठीक है, जिसको अब DT कर दिया, ठीक है, डिप्थीरिया भी शामिल है, पर पर्टोसिस 6 साल के बाद में नहीं लगाना है, ठीक है, उससे पहले ही लगाना है। इतनी बातें याद रह जाएगी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है HPO, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे HPO सिस्टम, क्या है? HPO सिस्टम, HPO सिस्टम। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये HPO सिस्टम से ही बच्चा बनना स्टार्ट होता है, याद रखना। सबसे पहली चीज, इम्पोर्टेंट चीज है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस मतलब सबसे पहले भ्रमाजीत है को मन में विचार आएगा सृष्टि की रचना करो। क्या करो? सृष्टि की रचना करो। देखो, ये आध्यात्मिक कहानी क्यों बता रहा हूँ आपको? कोरिलेट करके बता रहा हूँ, समझ सोचना ये कहाँ सुनाने बैठ गए। तो ब्रह्मा जी थे, उनके मन में आया कि सृष्टि की रचना करूं, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी गए, ठीक है, किसके पास गए? कि देवी के पास गए कि देवी सृष्टि की रचना करनी है। फिर देवी ने बताया कि सृष्टि की रचना ऐसा नहीं होती है, एक सिस्टम होता है पूरा का पूरा, पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अनुसार आपने आपको एक आदमी बनाना होगा, एक औरत बनानी होगी, ठीक है, एक आदमी एक औरत बनानी होगी, और उसको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शादी करानी पड़ेगी, और इस प्रकार से, और फिर पृथ्वी बनानी पड़ेगी, सारी चीज़ें मतलब थी कुल मिला के। तो ठीक उसी प्रकार से अपने यहाँ पर भी एक सिस्टम चलता है, HPO सिस्टम। ठीक है, अब HPO सिस्टम में आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि हाइपोथैलेमस गया ओवरी के पास में, कि ओवरी को बोला कि ये क्या है? ओवरी बोलेगी ये अंडा है, ठीक है, ये क्या है? अंडा है, मतलब ओवम है। तो ओवरी को बोला कि दे मुझे, तो बोला कि नहीं दूंगी, तो क्या चाहिए?
मतलब कुछ ले के दे दे। तो बोला कि नहीं ऐसे नहीं मिलता है, आप सिस्टम से आओ पूरे। कि सिस्टम क्या है, कि सिस्टम यह है कि आप इसको मैच्योर कराने के लिए कुछ भेजो, मैच्योर कराने के लिए कुछ ना कुछ भेजो। ये मैच्योर नहीं है, अभी ये अधपका है, ठीक है, अधपका है मतलब पका हुआ नहीं है, तो ये बाहर नहीं आ सकता, बाहर आएगा तो मर जाएगा, इसको मुरझा जाएगा, ठीक है। तो बोला कि भेजो, तो क्या भेजो, तो आप जाओ एंटीडी पिट्यूटरी के पास में। तो फिर हाइपोथैलेमस गया एंटीडी पिट्यूटरी के पास में, तो हाइपोथैलेमस थैलेमस क्या है, राजा है, ये राजा सिस्टम है, ये सभी यहाँ पे ग्लैंड को यहाँ पे क्या करता है, एक्टिवेट करता है, कंट्रोल करता है, पूरा कंट्रोलर सिस्टम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो गया वो किसके पास में गया, सीधा का सीधा यहाँ पे हाइपोथैलेमस तो जाएगा नहीं, पहले ओवरी के पास गया, बेइज्जती हो गई बेचारी की, बेइज्जती हो गई, तो वो वापस आ गया, साथ में बैठ गया, तो राजा है, अपना एटीट्यूड है पूरा का पूरा। तो इसने अपने तर्कस में से एक तीर को निकाला, तीर का मतलब होता है अपना जो मंत्रिमंडल होता है, उन मंत्रिमंडल में से क्या किया कि एक हार्मोन को बोला, कि किसको बोला, तो पहले सोचा कि किसको बोलूं किसको बोलूं किसको बोलूं, कि जीएनआरएस बहुत अच्छा था, कि बोला मैं जाऊंगा राजा साहब, मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, सृष्टि की रचना करनी है तो मैं जाऊंगा। तो बोला कि जा, कहाँ जाएगा पता है तेरे को, एड्रेस वेड्रेस तो पता है, कहाँ है, पिट्यूटरी में, अरे पिट्यूटरी में भी दो है, पिट्यूटरी में भी पूरा पिट्यूटरी तो एक पूरा का पूरा क्या मतलब वो है ऑफिस है, ठीक है, बड़ा ऐसा यहाँ पे संस्था है, संस्था में भी बहुत सारा ऑफिस है, अब बहुत सारा ऑफिस में भी तू कहाँ जाएगा, तो मैं एंटीरियर में जाऊँगा, तो बिल्कुल अच्छी बात थी। तो फिर इसने भेजा है जीएनआरएच को, कि ये बहुत यहाँ पे क्वालिटी का आदमी है, कौन है, जीएनआरएच, जीएनआरएच जा, ये जीएनआरएच, तो जीएनआरएच का नाम क्या है, स्पेशली अगर मैं नाम बताऊँ जीएनआरएच का, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जाके एक्ट करेगा सीधा का सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ये कहाँ जाके एंट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पूछा इसने कि राजा साहब का मैसेज आया है, क्या मैसेज है, कि राजा साहब का मैसेज है कि ओवरी को अपनी औकात दिखानी है, ओवरी के पास राजा साहब गए थे, उसने बहुत बेइज्जती करी, बोला कि फॉलिकल मैच्योर नहीं है, मैच्योर कराओ, और मुंह उठा के आ गए, ऐसे कैसे आ गए, बिना मतलब सफ़ेद, बिना मतलब सेरे के, पता नहीं क्या क्या बन के आ गए, तो वापस जाओ, तो ऐसा करके वापस गए वो, तो और मेरे को भेजा और आपके पास भेजा, तो आप कुछ सहायता कर सकते हो क्या, तो बिल्कुल मेरे पास तो दो हार्मोन ऐसे हैं जो मैच्योर भी करा सकते हैं और उसको लूट भी सकते हैं, मैच्योर भी करा देंगे और लूट के लेके भी आ जाएंगे तेरे पास में, ठीक है, तो कौन कौन से हैं बताओ। तो बोला कि मेरे पास में दो हार्मोन हैं, कौन कौन से हैं, तो मेरे पास में FSH भी है और मेरे पास में LH भी है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोल रही है कि मेरे पास में दो हार्मोन हैं, तो कर सीक्रेट, तो सीक्रेट किया, पहले FSH को किया सीक्रेट, FSH गया, FSH ने डायरेक्ट एक्ट किया ओवरी के ऊपर, और ओवरी के ऊपर जाके इसने क्या किया कि वहाँ पे था अंडा, क्या था, अंडा, ओवम, उसको किया मैच्योर, यानी फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने किया फॉलिकल को स्टिमुलेट और वहाँ से रिलीज करवाया एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या रिलीज करवाया, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ यहाँ से। एस्ट्रोजन का लेवल अब जब जब FSH आएगा और ओवरी के ऊपर काम करेगा, एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा, एस्ट्रोजन बड़ा 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 अपने पीक तक चला गया और फॉलिकल जो है वो मैच्योर भी हो गया, ठीक है, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, टर्सरी ओसाइट, ये तक पहुंच गया और मैच्योर फॉलिकल भी बन गया, ठीक है, कॉर्पस लूटियम भी बन गया, उसके आसपास की कवरिंग लेयर है वो भी बन गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब एस्ट्रोजन ने बोला इतना का पकाएगा तू मेरे को, मतलब इतना पकाएगा, इतना पकाएगा ये फट जाएगा, एक दिन क्या होगा ये ओवम फट जाएगा, तो पका मत, अब रुक जा, फिर भी नहीं रुक रहा है, तो इस एस्ट्रोजन ने इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया, उड़ा दिया का मतलब इस FSH को बिल्कुल डिक्रीज कर दिया, इसने बोला कि अब तेरी जरूरत नहीं है, तू जा, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो इतना खुदगर्ज निकला ये एस्ट्रोजन, इसने क्या किया, FSH को यहाँ पर नष्ट कर दिया। अब FSH नष्ट हो गया, एस्ट्रोजन अपने बहुत यहाँ पे पीक लेवल पे है, बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर है छोटा सा अंडा, ठीक है, और वो भी मैच्योर फॉलिकल। अब बोला एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को सुझाया कि अब यहाँ पे LH की बारी है, कि वो तो शहीद हो गया, वो एक गया जो तो शहीद हो गया, अब तू जा। फिर यहाँ पे भेजा इस LH को, LH ने भी जाके क्या किया, ओवरी पे जाके एक्ट किया, ओवरी पे जाके एक्ट किया, ओवरी पे जाके इसने एक्ट ये किया कि कॉर्पस जो लूटियम था,
उसको तो वहीं रहने दिया और वहाँ से सुंदर सुंदर सा जो ओवम था उसको यहाँ पे कैच कर लिया, उसको कैच कर लिया मतलब लूटिनाइज, यहाँ पे लूट लिया, लूटिनाइजिंग हार्मोन है एलएच का मतलब, तो लूट लिया उस ओवम को, लूट के उसने कहाँ डाल दिया, फिम्बराई में। फिम्बराई जो होता है ना, फिम्बराई इनफंडिबुलम तो इसको अपन बोल सकते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया। यहाँ तक ले जाने का काम करता है एलएच, क्या करता है एलएच। अब बचा क्या यहाँ पे ओवरी के अंदर, ओवरी ये थी, ये मेच्योर फॉलिकल है, ये मेच्योर, ये पूरा मेच्योर, ठीक है, और ये इस प्रकार से होता है। तो ये है जो यहाँ पे एक खाँच नुमा स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पे ओवा था वो तो चला गया, अब ये खाँच नुमा जो स्ट्रक्चर है उसी को अपन बोलते हैं कॉर्पस लूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम। अब ये क्या है, ये कॉर्पस लूटियम जो है वो भी है वो थोड़े दिनों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी बिचारी। तो अब इसने क्या किया, ये जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो ओवम है, ओवम गया यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, अगर बाय चांस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ से रिलीज होगा एससीजी। क्या रिलीज होगा? एससीजी इस कॉर्पस लूटियम से। और ये क्या सिक्रेट करवाएगा? ये सिक्रेट करवाएगा प्रोजेस्ट्रॉन। ये क्या सिक्रेट करवाएगा बाद में? प्रोजेस्ट्रॉन। ओव्यूलेशन के बाद में ही प्रोजेस्ट्रॉन आता है, याद रखना, आपने एमसी पढ़ी होगी मैच्योरेशन साइकिल, उसमें प्रोजेस्ट्रॉन बाद में ही आता है, ठीक है, ये चीज़ भी आपने पढ़ी होगी। तो अब आएगा प्रोजेस्ट्रॉन, और जैसे ये प्रोजेस्ट्रॉन आएगा एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन ने क्या किया, पहले एंडोमेट्रियम को तैयार भी किया, देखो इसने एपिसज को तो हटा दिया, अब बेचारा पड़ा पड़ा यहाँ पे क्या करे, तो ये इसने क्या किया एस्ट्रोजन ने कि बेचारा अभी यहाँ पे कुछ काम तो है नहीं, अब ये जो पहले तो था यहाँ पे ओवरी के अंदर था तो यहाँ पे से इसको बंद कर दिया, तेरी ज़रूरत नहीं है, तो फिर ये खाली बैठा है। तो फिर इसने एंडोमेट्रियम को तैयार करना शुरू कर दिया, एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू कर दिया, यूटरस के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बनाना शुरू कर दिया, उसको तैयार किया। फिर ये कॉर्पस लूटियम के पास में एससीजी आया और एससीजी से प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज हुआ। प्रोजेस्ट्रॉन जैसे रिलीज हुआ तो ये यहाँ पे एलएच का काम भी पूरा हो गया, अब ये एलएच भी कम बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है ये मैनेजमेंट पूरा का पूरा। अब आगे मैं पढ़ाता हूँ, तब तक आप अगर इसको बनाओ मत, ठीक है, अभी मत बनाओ, कुछ भी मत करो, लैंग्वेज है मेरे पास में, मैं बता दूंगा, ठीक है। ये आपको मैं क्या वर्बली बता रहा हूँ या लिखा रहा हूँ या समझने के लिए चीज़ें, मैं लैंग्वेज डायरेक्ट बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लिखो मत, इसको बनाओ मत, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, बनाना चाहो तो देखो बना भी सकते हो, समझ में कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी के बाद में आएगा कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ। तो पहली बात है फर्टिलाइजेशन हुआ तो स्पर्म आया और प्लस ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। ये फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट जो है वो 0 से लेके यहाँ पे 2 वीक तक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट तो बनेगा, पर इसके अंदर भी वापस क्या है, एक प्रॉब्लम है, स्टेजेस है। तो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट की क्या है, स्टेजेस है। तो ये क्या करेगा, पहले 4 सेल बनाएगा, फिर 6 सेल बनाएगा, सॉरी 8 सेल बनाएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 8 से 16। तो 16 जो सेल है उसी को अपन बोलते हैं 16 सेलुलर स्ट्रक्चर, मोरूला स्टेज। क्या बोलते हैं? मोरूला स्टेज। अब जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो भी आधा घंटे का टॉपिक है कम से कम, और वो आपको पढ़ाया जाएगा ओबीसी के अंदर, अभी मैं नहीं पढ़ूंगा वो, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक, मतलब बच्चे की शुरुआत कहाँ से होती है, बच्चे की जन्म लेने की शुरुआत कहाँ से होती है, वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वो भी शॉर्टली पढ़ा, ठीक है। तो मोरूला स्टेज है। अब ये मोरूला स्टेज कब होती है? 96 आवर में, मतलब 96 घंटे पे, मतलब चौथे दिन। अब चौथे दिन तो ये काम हो गया, अब पांचवा दिन निकला, छठा दिन निकला, अब छठे दिन से क्या होगा, इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा, इम्प्लांटेशन। अब ये बच्चा जो है वो कॉर्नो ऑफ यूट्रस के पास आ गया है, और वो आ गया है छठे दिन से 11 दिन पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट। छठे दिन पर इम्प्लांटेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे 11वें दिन क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा, पोस्टीरियर यूटेराइन वॉल के ऊपर जाके इम्प्लांट होगा, पोस्टीरियर यूटेराइन वॉल के ऊपर एंडोमेट्रियम पे। और उसी को अपन प्रेगनेंसी, जो कंसीव हो गई प्रेगनेंसी, अब उसको अपन क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बोलेंगे। तो डेसिडुअस लेयर के अंदर जाके इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। 11 दिन की बात होगी,
ठीक है, इसीलिए अपन इस जायगोट को क्या बोल सकते हैं, 0 से 2 वीक तक का, मतलब 14 दिन का पीरियड। तो 14 दिन का जो पीरियड होगा, पहले 14 दिन का, उसको अपन बोल सकते हैं जायगोट। क्या बोल सकते हैं? जायगोट। अब जायगोट किसको बोल सकते हैं? 0 से लेकर 2 वीक तक का पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो किसको बोल सकते हैं? 3 से लेकर 8 वीक, 8 वीक कर देना, ठीक है, 8 वीक तक का पीरियड। और इसी के अंदर होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने आएगा फीटस। फीटस को अपन क्या बोल सकते हैं? 9 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर टिल बर्थ तक, टिल बर्थ तक का पीरियड जो होता है वो आपका कहलाता है फीटस। यहाँ तक बातें समझ में आई सभी को? अब लेगा बच्चा जन्म। अब बच्चे की क्या होगी? डिलीवरी। और डिलीवरी जो होगी वो होगी आपके 37 से लेकर 42 वीक तक के आसपास हो सकती है। इसको अपन नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी मानते हैं। अगर 37 से पहले हो रही है तो प्री मेच्योर, इसके बाद में हो रही तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं, बाकी टर्म प्रेगनेंसी बोलेंगे। फिर बच्चा हो गया, और बच्चा होते ही अपने पास में एक बहुत स्पेसिफिक पीरियड निकल के आता है कि अपन को सबसे ज़्यादा अटेंशन देना है, अगर लेडीज़ पर तो देना है सबसे ज़्यादा अटेंशन अपने जो नर्सिंग फील्ड है उसके अंदर, उसको अपन बोलते हैं पेरीनेटल पीरियड। पेरीनेटल, चार पीरियड होते हैं टोटल, प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल और पेरीनेटल, ठीक है, चार पीरियड मैं पढ़ाता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है। प्री का मतलब होता है कि डिलीवरी से पहले का पीरियड, ठीक है, और एक होता है डिलीवरी वाला पीरियड, नेटल पीरियड, और एक होता है पोस्टनेटल। इनके अलावा एक पेरीनेटल आता है। पेरी का मतलब पेरीफेरी जो होता है ना, उसी प्रकार से पेरीफेरी, ठीक है, पेरी। तो पेरी का मतलब होता है कि 28 वीक्स। हर एक डाटा एग्जाम ओरिएंटेड है, सीएचओ ओरिएंटेड है, हर एक डाटा, हर एक लाइन जो मैंने बोली अभी तक वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को डबल बार भी देखना पड़े, देखना लिखना इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है। ये आपकी यहाँ काम नहीं आएगी, वो भी जिम काम आएगी, पर एग्ज़ाम ऑल ओवर जब आप दोगे कोई कंपटीशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसा मत सोचना कि आप पीडियाट्रिक अगर जीएनएम कर रहे हो, पीडियाट्रिक का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको ये एम्ब्रियो वेम्ब्रियोन पेरीनेटल और नेटल ये नहीं पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने सीनियर हो उनसे पूछ लेना कि पेपर मिक्स होते हैं या नहीं होते हैं। एमएसएम सेकंड का फर्स्ट में, फर्स्ट का सेकंड में आता है। पीडियाट्रिक ओबीजी में घुस जाती है, ओबीजी पीडियाट्रिक में, सीएचएन फर्स्ट सेकंड में घुस जाती है, फर्स्ट सेकंड घुसती रहती है, ठीक है। मतलब एग्जामिनर को यह नहीं पता कौन सी पीडियाट्रिक है कौन सी क्या है, एग्जामिनर डायरेक्ट उसी लेवल पर देता है एमसीक्यू आपको, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जामिनर जीएनएम पढ़ के एग्जाम पेपर नहीं बना रहा है, वो बीएससी पढ़ के ही बना रहा है, एमएससी पीएचडी करके ही बना रहा है, और उसमें सब मिक्स ही होता है। उसको यह नहीं पता कि जीएनएम में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पेरीनेटल 28 वीक से लेकर 7 डे। अब ये 7 डे कौन सा है? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ तक का जो पीरियड होता है उसको अपन बोल सकते हैं पेरीनेटल पीरियड। और इसमें स्पेशल अटेंशन की यहाँ पे क्या होती है? नीड होती है बच्चे को। आया समझ में यहाँ तक? फिर आता है अपने पास में एक पीरियड आता है का नियोनेटल पीरियड, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? नियोनेटल। अब नियोनेटल जो होता है 0 से 28 दिन का बच्चा होता है, 28 दिन का बच्चा होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक अर्ली होता है, एक लेट होता है। अर्ली दूसरा होता है लेट नियोनेटल पीरियड। अर्ली को अपन बोल सकते हैं 0 से लेकर 7 डे का बच्चा, स्पेशल अटेंशन पेरीनेटल पीरियड के अंदर ही आ रहा है। तो अर्ली नियोनेटल पीरियड इज द पार्ट ऑफ यहाँ पर पेरीनेटल, पेरीनेटल का पार्ट है, पूछा जाता है कभी कभी एमसीक्यू। और लेट जो है वो आएगा आपका 8 दिन से लेकर 28 डेज तक। आ गया समझ में? बढ़े आगे। फिर आएगा आपके इन्फेंट पीरियड। अब नेक्स्ट पीरियड इसके बाद में कौन सा आएगा? इन्फेंट। कौन सा आएगा? इन्फेंट। इन्फेंट जो पीरियड आएगा वो आएगा 28 डे या 1 मंथ बोल सकते हो, 4 वीक भी बोल सकते हो, ठीक है, से लेकर 1 ईयर, 1 साल तक का पीरियड जो होता है वो इन्फेंट कहलाता है। फिर आएगा टोडलर।
टोडलर किसको बोल सकते हैं? एक साल से लेकर 3 साल का बच्चा, ठीक है। फिर आएगा प्री स्कूलर, प्री स्कूल एज किसको बोल सकते हैं? 3 से 6 साल। फिर आएगा स्कूल एज स्कूल किसको बोल सकते हैं? 6 से 12 साल। फिर आएगा एडोलोसेंट किसको बोल सकते हैं? 13 से 19 साल। 18 भी कंसिडर करते हैं बहुत सारे, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग पूछे एडोलोसेंट कितनी उम्र होती है, तो 10 से 19 कर देना, 10 से 19 अकॉर्डिंग टू WHO का अकॉर्डिंग है। ये किसके अकॉर्डिंग है? WHO के अकॉर्डिंग है, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पैरामीटर। मेरे को पता राइटिंग थोड़ी कम समझ में आएगी, लेकिन क्या करें, थोड़ी मजबूरी है। नेक्स्ट बड़े आगे फिर आता है अपना एडल्ट का पीरियड। कौन सा पीरियड आता है? एडल्ट का पीरियड। और एडल्ट का पीरियड जो होता है एडल्ट, ठीक है, एडल्ट का पीरियड जो होता है वो होता है यहाँ पे 19 साल से लेकर 59। और एल्डरली मतलब वही 60 साल से ऊपर, ठीक है। ये सारे के सारे पीरियड मैंने आपको पढ़ा दिए, कहाँ से? जायगोट से लेके, ठीक है। समझ में आया सभी को? यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? कौन कौन सा क्राइटेरिया किसको फॉलो कर रहा है? ओके फाइन, क्योंकि इसी बेस पे सारे के सारे माइलस्टोन आपको पढ़ाए जाएंगे, इसी बेस पे थ्योरी पढ़ाई जाएगी आपको, डेवलपमेंटल थ्योरी। वहाँ पे ऐसा ही लिखूंगा मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखूंगा 0 से इतने साल, वहाँ से वतना, वहाँ से वितना, 3 से 6। वहाँ डायरेक्ट लिखा जाएगा आपको प्रीटर्म, टर्म, नियोनेट, इन्फेंट, जो भी है, टोडलर है, चाइल्ड है, प्री स्कूलर है, स्कूल है। तो आपको पता है, आप पहले ही मैं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ऐसी चीज़ें ही बता रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको ये चीज़ें वापस नहीं बताई जाएगी। नेक्स्ट जो है मैं पढ़ाना चाहता था, यही चीज़ आपको बताना चाहता था, अब ये आप देख सकते हो। अब ये कुछ समझ में आएगा आपको? नहीं आएगा। देखो, हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस ने GnRH रिलीज किया, पिट्यूटरी पे जाके एक्ट किया, FSH और FSH और LH रिलीज किया, ओवरी पे जाके एक्ट किया इन दोनों ने, और वहाँ से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकाला। अब किसने कौन सा निकाला, कुछ पता चला इसमें? नहीं चला। इसीलिए मैंने वो चीज़ बताई थी आपको, वो वाला ट्रैक पूरा का पूरा बताया था। आया समझ में? नेक्स्ट, यहाँ पे ये फोलिकल्स, प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रीमोडियल फोलिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और ये एंटर, ये पूरा का पूरा बन गया है, और ये ओवुलेशन भी हो गया है, ये अंडा इस प्रकार से बाहर निकल गया है, ठीक है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दी, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमोडियल, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्सरी, ओसाइट भी बोल सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट है, मैंने बताया था कि ओवुलेशन जो है 14वें दिन पर होता है नॉर्मल MC पीरियड में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन यानी जायगोट पीरियड जो होगा 0 से 2 वीक का होगा, ठीक है। ये भी बता दिया 2 से 4 सेल, 16 सेल, 96 घंटे में बनती है, ठीक है। इम्प्लांटेशन जो होता है 6 से 11 दिन में पोस्टीरियर डेवलप यूट्रस पे होता है। एम्ब्रियो जो पीरियड होता है 3 से 8 वीक का होता है, उसी के अंदर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। यह लैंग्वेज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये लैंग्वेज में दे रखा है, वही चीज़ मैंने आपको लिख के बता दी, ठीक है। मैं क्या दोनों ही चीज़ें रखता हूँ, दोनों चीज़ें क्यों रखता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, लिखा हुआ बहुत सारे बच्चे क्या करते, छूट जाता है, और छूट जाता है तो मैं उस दोबारा वापस उसको नहीं ला सकता, मैं मिटा दिया तो नहीं ला सकता। और किसी को लैंग्वेज समझ में, राइटिंग समझ में नहीं आती है, तो इस प्रकार से भी वो लिख सकता है, अच्छे से समझ सकता है। नेक्स्ट है फिटस जो है 9 वीक से लेकर टिल बर्थ तक होगा है बेबी। अर्ली नियोनेट पीरियड मैंने बताया आपको 0 से 7 दिन का होता है, लेट नियोनेट 0 से 28 दिन का होता है। फिर इन्फेंट बताया 1 मंथ से लेकर 1 साल, मैंने 28 दिन से 1 साल लिखा है, 1 मंथ लिखो, 4 वीक लिखो, कुछ भी लिखो, बात बराबर है। टॉडलर 1 से 3 साल होता है। फिर है प्री स्कूलर 3 से 6 साल का होता है। फिर आया स्कूलर एज 6 से 12 साल का होता है। ये सारी चीज़ें समझा दी, लिखा दी मैंने, ठीक है, इसलिए नहीं समझा रहा हूँ, इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ। ये डबल बार आ रही है, रिपीट हो रही है वापस चीज़ें, वो मैंने लिखी है, ये कंप्यूटर ने लिखी है, ठीक है। ये कंप्यूटर माँ से भी बहुत बड़े ज्ञानी है, पहले चीज़ें नहीं आती है, बाद में आती है। नेक्स्ट है एडोलेसेंट 13 से 19 साल है, अकॉर्डिंग टू WHO पूछे तो 10 से 19 साल।
एनएचएम एग्ज़ाम जीएनएम का जो अभी हुआ था उसमें और सीएचओ का एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन दोनों ही एग्ज़ाम में एज इट इज़ आया था, दोनों ही एग्ज़ाम आया था। मतलब मैं कहूँ एक एग्ज़ाम आया वो नहीं, दोनों ही एग्ज़ाम में आया था और दोनों ही एग्ज़ाम में इसका उत्तर 10 से 19 सही था, ठीक है, क्योंकि WHO का अकॉर्डिंग है। तो इसको ज़रूर अटेंशन देना स्पेशल और लिखना इसको, ठीक है। तो प्यार दोस्तों, कल का टॉपिक अपने सामने है। इसी प्रकार से देखो नए नए जो टॉपिक आगे से आगे आएंगे वो आपके सामने इसी प्रकार से होंगे। तो कल का टॉपिक अपना होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये शॉर्ट क्लास थी आपकी, बिल्कुल शॉर्ट थी, ठीक है। एक घंटे में इंट्रोडक्शन कराना पीडियाट्रिक का बहुत मुश्किल है, मैं खुद जानता हूँ, बहुत बड़ा होता है ये पीडियाट्रिक। लेकिन आपके GNM लेवल पर, BSc लेवल पर, आप अगर मान लो CHO का एग्ज़ाम दे रहे हो या NHM का एग्ज़ाम दे रहे हो या NM का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, पीडियाट्रिक नर्सिंग आपके सब्जेक्ट है, तो आप इस इन क्लासों से अपने एनर्जी लेवल, अपने ज्ञान को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे लगी हमारी आज की ये क्लास? ऐसा नहीं कि मैं टाइम मैनेजमेंट देख के पूरा पढ़ा रहा था, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, मैंने कहा एक घंटा भी होगा, सवा एक घंटा भी होगा, दो घंटे भी होंगे तभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा इंट्रोडक्शन आज फिनिश करना है और किया भी है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ग्रोथ ग्रोथ अपन कल फिनिश करेंगे, डेवलपमेंट डेवलपमेंट उसके अगले दिन फिनिश करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं अब देखो ग्रोथ भी पढ़ा दूँ डेवलपमेंट भी पढ़ा दूँ, ना ग्रोथ समझ में आएगा ना डेवलपमेंट समझ में आएगा। तो एक घंटा पूरा, एक या सवा एक घंटा, डेढ़ घंटा पूरा ग्रोथ के लिए, सवा एक घंटा डेढ़ घंटा पूरा डेवलपमेंट के लिए, दो घंटे भी लग जाएंगे डेवलपमेंट में तो भी लगाएंगे अपन, ठीक है। लेकिन पूरा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई सभी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, आपका मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर आप कॉल करके या आप मैसेज छोड़ के पूछ सकते हो पर्सनली, ठीक है। ठीक है, ये है, ठीक है, इस पर आप पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे ये भी नहीं कर सकते हो तो ये वीडियो जो आप देख रहे हो उसके नीचे एक कमेंट होगा, ठीक है, उसमें कमेंट करके जरूर डाल देना कि ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोग को समझ में नहीं आई तो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बर्फ को पानी में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा और जोर लगा, हिम्मत कर, कोशिश कर, क्योंकि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में भी थोड़ा वक्त लगता है। इसी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में मैं आज की इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ और कल फिर मिलते हैं अपन, और कल मिलेंगे अपन किसके साथ में? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।